हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टू चैनल। यू आर वाचिंग जे 15 आर। सो आज हमारे पास है हीरो की HF डिलक्स। एंड इस बाइक में एक दिक्कत आ रही है कि जो जब आप एक्सेलरेशन देते हैं इसका विद एक्सेलरेटर, तो ये रेस नहीं पकड़ रही है। सो मेरे हिसाब से या तो इसका ईश्यू चला गया या फिर इसका जो फ्यूल पंप है वो डैमेज हो गया। मैं आपको दिखा देता हूँ पहले प्रॉपरली, लाइव वी विल शो यू कि क्या इसके अंदर दिक्कत है, एंड उसके बाद आप भी हमें कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। ये हमारा क्या साइड स्टैंड इंडिकेटर हट गया, फिर एक बार दोबारा लगा के दिखा देते हैं, चल रहा है। ठीक है, यहाँ दिखाओ, सेल्फ नहीं है इसके अंदर। अब थोड़ा सा आवाज़ सुनवा देता है, पहले मीटर तो चेक करो, तो मीटर चेक करो कितने चल गई। तो ये चल गई हमारी 20,000, और टैंक लगभग हम भाई हाफ रखते हैं। सो आपको दिखा दे भाई, तेल भी इसके अंदर फुल है। देखो भाई, बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो रही, और चाहे आप एक्सीलेटर दो या मत दो, थोड़ी दिक्कत कर रहा है। आवाज़ तो अच्छी है, बट वो ये कि रेस नहीं पकड़ रही। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप रेस दे रहे हो ना, तो उस हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, बहुत ही स्लो पकड़ती है। सो अगर आपके पास भी यही बाइक है और सेम दिक्कत है, या किसी और बाइक में सेम दिक्कत है, प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। देखो FI होने के बाद भी मतलब बंद हो जा रही है। चलो इसका एक बार एक चक्कर लगा के आते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ प्रॉपरली। और तो बाइक में दिक्कत ये थी भाई, छोटी सी जो वो चढ़ाई आ रही ना, देखो अभी सामने आपको दिख रही है, वहाँ पे एक वो है, गुलाबा बोलते हैं हमारे यहाँ पे, थोड़ा सा हाइट होती है, तो उसको भी वो देखो क्रॉस नहीं कर पा रही है। आई विल शो यू, और सामने से मैं आपको उसका एक्सीलेटर दे के दिखाऊँगा। अदरवाइज़ बाइक का जो वेट है काफ़ी कम है, इस हिसाब से बाइक उठ जाना चाहिए था, उसका फर्स्ट जो टायर है अगले वाला फ्रंट टायर। तो देखो कुछ भी नहीं हो रहा, देखो मैं रेस छोड़ रहा हूँ, रेस दे रहा हूँ, देखो बस इतना कर रही है। सो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि इसका क्या सोल्यूशन है। तो मैंने तो उनको बता दिया भाई, 90% तो इसका फ्यूल पंप गया, और जो इसका ईश्यू आता है उसके अंदर भी डैमेज हो सकता है, अगर चूहे वगैरह ने तार काट दिए तो, क्योंकि हो जाता है लॉस। पहले ये तो हटा लो, स्टार्ट ना होने के बिना इसके ना हो जाएगी, करो ये गियर में नहीं करके चलो चलो करो। अब रेस देना भाई, क्या देर में क्या दिक्कत आ रही, देखो मैं दिखाता हूँ, रेस नहीं पकड़ रही ना, बहुत स्लो रेस पकड़ रही है। ये देखो, अब पता नहीं इसका या तो भाई फ्यूल पंप खराब है या इसका इश्यू गया। चलो भाई ठीक है, इसको भाई इशू को करेंगे हम। सो भाई जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बाइक जो रेस नहीं पकड़ रही है, आप कितना भी एक्सीलेटर दो, और कभी कभी तो खतरा है कि अगर मान ले रोड के बीच में है, आपको पता है हाइट होती है, वहाँ पे बीच में बंद होगी तो एक्सीडेंट हो सकता है, कोई पीछे वाली बाइक आके ठोक सकती है आपको। सो अगर आपने भी फेस किया और आपको इसका सोल्यूशन मिल गया तो हमें बता सकते हैं, अदरवाइज़ हमें जो है इसको शोरूम लेके जाना पड़ेगा। और अगर फ्यूल पंप चला गया होगा तो, क्योंकि इस बाइक को 2 से 3 साल हो चुके हैं, तो वारंटी भी चली गई होगी, क्योंकि ये फिजिकल डैमेज में आता है, तो फिर 14-15 हज़ार रुपये का लग जाएगा भाई को फटका। और अगर लोकल मिस्त्री से होगी तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता पाएंगे। सो आई होप आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।